अभी तक आप ये सीख चुके हो कि प्रॉपर फ्रैक्शंस का इंटीग्रेशन हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करके कैसे करते हैं अब हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करके कैसे करेंगे तो कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा पीएक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में होगा फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स हम यहाँ से देख सकते हैं कि यह जो गिवन फंक्शन है वह इम प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल है तो चलिए हम देखते हैं कि हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सबसे पहले हम फंक्शन पी एक्स को फंक्शन क्यू एक्स से डिवाइड करेंगे जिससे कि माना हमें कोशंट टी एक्स एंड रिमाइंडर पी वन एक्स मिलता है तो हम इस पूरे फंक्शन को लिख सकते हैं टी एक्स प्लस पी वन एक्स अपॉन क्यू एक्स जहां टी एक्स हमें एक एलजेब्रिक फंक्शन मिलेगा एंड पी वन एक्स अपॉन क्यू एक्स यह हमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में मिलेगा इसे हम इसी एग्जांपल से समझते हैं कि माना हमें एक्स स्क्वायर माइनस एट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स का इंटीग्रेशन करना है तो हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एट को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स से डिवाइड करेंगे तो इसका डिवीजन हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमें कोशेंट वन एंड रिमाइंडर यहां से एक्स माइनस टू मिला है जिससे कि हम इस गिवन फंक्शन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं अब यहां हमें दो टर्म्स मिली हैं पहली है वन एंड सेकंड है एक्स माइनस टू अपॉन स्क्वायर माइनस एक्स इजीली कर सकते हैं एंड जो सेकंड टर्म है वह हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में मिली है जिसका इंटीग्रेशन करना आप सीख चुके हो कि इसका कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखते हैं जहां से हम पहले एंड बी की वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करते हैं और हमें यहाँ इस क्वेश्चन में ए की वन बाई फाइव एंड बी की वैल्यू फोर बाई फाइव मिल जाएगी जब हम इन वैल्यूज को क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का हो जाएगा तो अब आप यह देख सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था वहां पहला पार्ट था वन जिसका कि हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं और जो सेकंड पार्ट था उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन था और हमने इस प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है जिससे कि हमारा जो मेन फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरह का होगा इसको जब हम आगे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर इस तरह का मिलेगा विच इज एक्स प्लस वन बाई फाइव लॉग ऑफ मोड एक्स माइनस थ्री प्लस फोर बाई फाइव लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस टू प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी तो आप यहां इस फाइनल आंसर में इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करके